हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन सो अरब गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमारे इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम का न्यू अपडेट आया है। अपडेट आने के बाद हम अपनी ट्रेन का क्या इंटीरियर मॉडल देख सकते हैं क्या, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास भाई ने कमेंट भी किया है, वो कमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ने बोला ट्रेन चलाने के अंदर वाले दिखाओ अपडेट में। तो भाई का कहने का मतलब है क्या, जो हमारी ट्रेन है इसके अंदर का मॉडल हम देख सकते हैं क्या इस बार के अपडेट में। तो मैं आप सभी उसी से रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री गेम में जो ट्रेन है इस बार के अपडेट जो आया उसके बाद हम अपने ट्रेन के अंदर के इंटीरियर मॉडल देख सकते हैं या फिर नहीं, क्या उसके लिए रोहित गेमिंग स्टूडियो ने कोई सीक्रेट कोड बनाया है क्या जिसकी सहायता से हम अपने ट्रेन के इंटीरियर मॉडल को देख सकते हैं, क्योंकि जो हमारी कार है इनके अंदर के हम इंटीरियर मॉडल को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो क्या ट्रेन में भी ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या जिसकी सहायता से हम अपनी ट्रेन के अंदर के भी इंटीरियर मॉडल को बड़ी आसानी से देख पाएंगे। चलो मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूं, बट उससे पहले अगर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं इस गेम से रिलेटेड ऐसे अपडेट वाले वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूं और फ्यूचर में भी डालता रहूंगा। तो हम आ चुके हैं अपनी ट्रेन के पास एंड इसके अगर जो कैमरे वाले एंगल को हम घुमाते हैं तो हम अपनी ट्रेन के अंदर आसानी से पहुंच जाते हैं और जो ट्रेन की बोगीज है इनके अंदर का सारा कुछ हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है एंड जो हमारा इंजन है इसके अंदर का हमें नहीं दिख रहा है। तो इसके अंदर का मॉडल कैसे देखना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। उसके लिए आपको सिंपली ट्रेन में बैठना होगा पहले, उसके बाद ही हम उसके अंदर के मॉडल को देख पाएंगे। तो हम अब ट्रेन के अंदर एंटर ले लिया है, इसके बाद हम इसके अगर जो अब कैमरे वाले एंगल पर जैसे ही टाइप करता हूं हमें सामने का सब कुछ दिखता है, बस ट्रेन के अंदर का मॉडल नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि बात हुई थी इसके इंटीरियर मॉडल की तो इंटीरियर मॉडल तो इसका दिखाई नहीं दे रहा है, बट सामने का सब कुछ बिल्कुल साफ दिखाई देता है जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं। तो हम इसके बैठने की जगह को बिल्कुल नहीं देख सकते और अगर जो आप सभी इसका कमेंट करेंगे तो आने वाले नेक्स्ट अपडेट में आप इसके इंटीरियर मॉडल को भी बड़ी आसानी से देख सकते हैं। और एक भाई ने हमें कमेंट किया कि फायर इंजन को ट्रेन के सामने खड़ा करोगे और ट्रेन को चलाओगे तो ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगी, तो क्या ये सच है? इसको हम ट्राई भी करेंगे आपके सामने और सबसे पहले आपके सामने स्पॉन कराएंगे फायर इंजन को ट्रेन के सामने पर। तो फायर इंजन का चीट कोड है 606, जैसे मैं आप सभी के सामने 606 डालता हूँ आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं फायर इंजन हमारा स्पॉन होकर के आ चुका है, वो भी बिल्कुल ट्रेन के सामने। अब हमें ये ट्राई करना है कि जो हमारी ट्रेन इसको हम चलाते हैं तो ट्रेन हमारी ब्लास्ट होगी या फिर फायर इंजन, क्योंकि कमेंट में तो लिखा है कि हमारी ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगी और हमें अब ये देखना है कि ट्रेन ब्लास्ट होती है या फिर फायर इंजन। तो जो मेरी ट्रेन है इसको हम बाहर कंट्रोल द्वारा ही चलाएंगे, यानी फोन कंट्रोल द्वारा हम अपनी ट्रेन को चलाएंगे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी ट्रेन है वो चल दिया और इसके सीधा सामने हमारा फायर इंजन खड़ा है, तो देखना ये ट्रेन ब्लास्ट होती है या फिर नहीं। तो मेरी ट्रेन फायर इंजन से टकराई बट ब्लास्ट नहीं हुई और फायर इंजन भी ब्लास्ट नहीं हुआ। तो भाई ने जो कमेंट किया कि हमारी ट्रेन ब्लास्ट हो जाएगी फायर इंजन से टकरा करके, तो वो बिल्कुल गलत है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फायर इंजन बाहर हो चुका है और ट्रेन भी नहीं ब्लास्ट हुई। तो अगर जो आप सभी के माइंड में ऐसे कोई क्वेश्चन चल रहे हैं तो उनका कमेंट आप नीचे कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके भी कमेंट का वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप सभी को बता दिया। एक और इन्फॉर्मेशन है कि आप सभी कमेंट कर रहे हैं कि किस चीज पर वर्क सबसे पहले स्टार्ट होगा, इंडियन बाइक ड्राइविंग थ्री डी गेम पर या फिर इंडियन कार सिमुलेटर 3D गेम पर। एंड अभी तक तो आपके ना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम पर वर्क स्टार्ट हुआ ना इंडियन कार सिमुलेटर 3D गेम पर, और सबसे पहले वर्क स्टार्ट होगा तो आपके इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम पर ही वर्क स्टार्ट होगा। तो न्यू अपडेट की सारी जानकारी जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपडेट से रिलेटेड ऐसे अपडेट वाले वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहता हूँ और फ्यूचर में भी डालता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ।